कितने भी हाल है शान कपड़ों में कौन आया अच्छा अच्छा ये वाजे सर आई इसको सुबह चार देख निकाल अंदर ना आने सोशल मीडिया पे आवाज उठाई तो मुझे इतना गंदा किया गया I'm already I'm I'm like a one gutter तो मेरे ऊपर गंदगी क्या फेंक दोगे मेरे सेक्स को मंजर यहाँ पे क्यों रख दिया गया इसलिए कि विवशिप मिल रही थी ये लोगों से ये रहने वाले वाशरों से तंग आके मैंने ये देखिए मैं करवा दी हुई है बात कोई मेरा भाई होता तो आज मुझे बिठा के तो रोटी दे देता <laughs> मेरी माँ मेरी बेटी बन गई हुई है वो दवाई मांगती है वो रोटी मांगती है मैं अब क्या ढूंढते हो इस जली हुई खाक में गौर से देखो ये वही अफसाना जला है जिसका उन्मान कभी तुम थे अब खाकू में

ऊपर वाला शिफा है आपको तो मुझे ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ का स्टार्ट कब किया आपने अपनी लाइफ का स्टार्ट आपने कब किया और कैसे अपने लाइफ का स्टार्ट किया कितनी कामयाबी आपको मिली और कैसे आपके साथ मुश्किल पेश आई थक गई वो बिलीव करें कि आप सो जाओ नींद आंखों में है कल फिर करेंगे गुफ्त को, बात अल्फाज क्या आप सो जाओ नींद आंखों में है कल फिर करेंगे जरा सी तो रह गई रात और अफसाने बहुत से किसी का नाम लो बेनाम अफसाने बहुत से किस 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 का नाम लो 99 में बदकिस्मती से जो मेरे साथ ट्रेजिडी होती है क्यों मेरे साथ ये क्यों होती है शायद समाज की शुरुआत थी उसके बाद बहन भाइयों को पालना शुरू किया कि आने वाले कल में मुझे संभाल लेगी <laughs> आप ये कि बहन भाइयों को पाला आपने सबको लेके चलिया आप बड़ी थी सबसे और आपने कैसे उनको सहारा कि आपसे बड़ी नहीं थी छोटी क्या साहब मैं दरम्याना रब का इंसाफ देखे दिखे बहन भाइयों में भी नंबर दरमियाना ही मिला दो बहनें छोटी दो बहनें बड़ी विचला नंबर मेरा एक भाई बड़ा एक छोटा विचला नंबर मेरा मैं बहुत बच्चा हूं मैं कहा जाता है कि जब मेरी पैदाइश हुई तो दाई ने आके बाहर शोर डाल दिया था कि बच्चा रो नहीं रहा मुझे कितनी देर थप्पड़ मारते रहे थे लेकिन मैं रोई नहीं थी वो शायद इसलिए कि मैंने आने वाले कल में रोना था और बहुत सारा <laughs> मुझे <laughs> ये बताएं कि आप कैसे अपनी कामयाबी की तरफ गई जैसे आप बताती आपका एक नाम था एक वक्त जब आपका नाम था कैसे आपको नाम मिला स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी बिल्लियां खा चिट्टा रंग रेड लिप्स गोल्डन बाल स्मार्ट स्लिम ब्रिटिश ब्रांडेड लुक तो सारे जो भी बाकी भी मजाक लगेगा आप तो मतलब i have nothing in my body on my face in my life in my hand nothing तब सिर्फ खूबसूरती की वजह से हर बंदा आप काम करें हमारा स्क्रिप्ट करें आप काम करें इवन मैं हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड तीनों इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया अनबिलीवेबल सी बात है ना कौन सी सेलिब्रिटी जिसके साथ मैंने काम नहीं किया जिन सेलिब्रिटीज के साथ मैंने काम किया बाद में

बहन भाइयों को पाला ब्याया आज वेल सेटल है अपने घरों में है, बाल बच्चरदार अमीर है और ये जितना लंबा आपका ये दफ्तर है इतने लंबिया लंबिया गाड़ियां खड़ी हुई है कैमरे लगे हुए हैं कैमरों में देख लेते कौन आया अच्छा अच्छा ये ख्वाजा है इसको सपचा दे के निकाल दो अंदर नाते कोई बात नहीं क्योंकि आपके छह बहन भाई हैं टोटल ऐसे ही है छह बहन भाई मुझे तो एक भी नहीं लगता आप कहते हैं तो हाँ है आज कोई मेरा भाई होता तो आज मुझे बिठा के एक वक्त की रोटी दे देता सर रात नींद नहीं आती ये देखो मेरी आंखों पे मसला तकलीफ होती आंखों में तकलीफ है है ब्रेस्ट दिमाग में, में जगह पे रूह रू में तकलीफ है इलाज के पैसे भी नहीं आ, पागलों वाला सवाल नहीं करे आप शेख साहब आपके पास रोटी के पैसे है, है ना तो खाएंगे ना तो कब नहीं खाएंगे जब आपके पास पैसे नहीं होते फिर आप ये सवाल क्यों कह रहे हैं मुझे जान प्यारी नहीं सही रात नींद नहीं, नहीं आती दिमाग में तकलीफ आंख में तकलीफ ब्रेस्ट में तकलीफ बाजू में तकलीफ पैसे हो तो मुझे और क्या चाहिए एक बायोप्सी तो भी करवा नहीं सका सोशल मीडिया पे आवाज उठाई तो बीप लगा दीजिएगा कुछ अल्फाज अगर माफी आए आज आपको मिलवाते हैं उसी से जो यू नो पार्ट ऑफ गंदी बात में कैसे करूं शर्माती फैमिली बच्चे देखते मुझे इतना गंदा किया गया मेरे ऊपर कीचड़ कीचड़ क्या मैं तो भाई पर्सन आई एम आई एम आई एम लाइक गटर तो मेरे ऊपर गंदगी क्या फेंकोगे छोड़ दो मेरे पास को देखो ना कि वो क्या था और मेरा आज देखो भाई आज में मतलब जस्ट चेक माय फेस जस्ट चेक माय बॉडी मतलब चलता फिर तक टैबू बन गई हुई ना तो मेरे नहीं है किराया है नहीं है कपड़े है नहीं है भाई मैं तो आवाज उठाई छप, छप जाए ताकि वो किताब लाइब्रेरी में कॉलेज में आ, ऐसे बच्चों के काम आ सके उस किताब से एक सौ पचास बचत के साथ मैं अपनी और अम्मी की रोटी चला सकूँ वो किताब को क्यों सेट पे रख दिया गया अम्बर शार की माला पे मेरी तोबा तोबा चिड़िया बोल दिया यार को यार लग में रहने जाना तेरे नाल प्यार न्यार होगा दमदम हुसैन मौला हुसैन दाता जी का जश्न लोरी है जितना हमने बेफाकी दर्द नहीं एक पल भी ये कलाम मेरे मोहतरम अंबर शाहरपुरी ने लिखा है उनका ये खिदमत है पाकिस्तान का मेरा खुद इतना खिदमत पाकिस्तान का मेरे वाल को एक साइड पे क्यों हटा दिया गया मेरी माँ बीमार परेशान आवाजार उसको एक साइड पे क्यों हटा दिया गया मेरे सेक्स को मंजर यहां पे क्यों रख दिया गया इसलिए विवर शिप मिल रही थी कोई भी एक छोटा सा मोबाइल पकड़ेगा कोई भी एक छोटी सी लाइट पकड़ेगा वो मीडिया पर्सन बन जाएगा नहीं हक की आवाज बुलंद करे हक की आवाज का बोलबाला करे भाई मेरी मेरे मेरे गुजरे कल को छोड़ देना मेरे आज को देखिये आज मेरा क्या है मेरे आज की बात करे आज तो मेरी लोम में सिर्फ रब के साथ है ना किराया दिया जाता है ना रोटी खाई जाती है ना मेरे पास कपड़े हैं ना कुछ है मैं तो ये ये लोगों से ये रहने वाले मुआशरों से तंग आके मैंने ये देखिए मैं टिंड करवा दी हुई है ये बेहसी इससे बेहसी ज्यादा क्या हो कि मैं भाई छुप जाऊ से लेने दो मुझे इस लाइक छोड़ दो कि मैं रोटी ही मांग हो गया मैं और गंदा ना गंदा ना अच्छा तुलसी भट तो आपकी लाइफ में जाके एक क्लाइमेक्स कब आया जाके जिसने आपको बहुत अंदर से तोड़ा पता नहीं क्यों आया था पहले तो ये मेरी बदकिस्मती है मेरे साथ मेरी लाइफ में इतना लग्जरी लाइफ अच्छे ब्रांडेड मोबाइल कारपेट, सोफे बेड ये सब कुछ भी आला शान था ना इसलिए नहीं टिका हलाल होता तो टिक जाता बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती मैंने वो हराम पैसा कमाया था गरूर एटीट्यूड बीप लगा दीजिएगा जनाते फना फना हो गया अब क्या ढूंढते हो इस जली हुई खाक में अब क्या ढूंढते हो इस जली हुई खाक में गौर से देखो ये वही अफसाना जला है जिसका कभी तुम थे अब मैं। अब में मैं वो वो तो जल गया हुआ है अब मेरे ऊपर कुछ कुछ में लिखा हुआ मैं अबू को गवाया बहन भाइयों को गवाया हुसैन गवाया अपनी इज्जत गवाई सब कुछ गवाया अम्मी को नहीं गवाना मैंने मेरी माँ मेरी बेटी बन गई है वो दवाई मांगती है वो रोटी मांगती है कपड़े मांगती है। दिकास से भट तो मुझे ये तो बताएं कि जब आपके फादर की तबीयत बहुत खराब थी क्योंकि तो आप बता रही हैं कि आपने उनके ऊपर बहुत पैसा लगाया अपना सारा पैसा आपने अपने, अपने बाप पे लगाया उनकी शिवा के लिए वो जड़ गया जो भी हुआ तो आपके जो बड़े बहन भी थे वो कहा थे उन्होंने क्यों नहीं अपने बाप पे पैसा लगाया बाप तो उनका भी था अगर आपका था आप तो शी मे आपसे तो उनका बनता तो अच्छी तो तरह याद है जुम्मत मुबारक का दिन है वो सामने मेरे अल्लाह मिया का नाम लग रहा है मेरे अल्लाह गायबाना इलम रखते हैं दिलों के भेद वो जानते हैं मेरे अल्लाह गवाह इस बात के अबू अंदर तड़प रहे थे मछली की तरह डॉक्टर आया हुआ था चेक कर रहा था क्योंकि अबू बोल नहीं पाते थे और ना सो पाते थे उनकी आंखें बस ऐसी खुली थी मैंने बाकी के बहन भाइयों को बुला के ना टेरस पे मैंने कहा अभी भी वक्त है और सब मिल के एक हो जाए अगर आप सब देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि हाँ मैं सच बोल रही। मैंने इन सबको बहन भाइयों को कहा आज उन मेरे रल के खलो जो पापू ने बचा ली सिर्फ तो आपका पैसा लगा वो

वो माँ को कैसे कह सकते कि मर जो माँ ने तो उनको माँ की तो वो कोक से आई है माँ ने तो पाला है उनको माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है तो माँ को क्यों कहते हैं है झूठ कहते हैं कि खून के, के रिश्तों में वफा होती है अगर होती वफा तो मिस्र में यूसुफ सरे बाजार ना बिकते सब झूठ कोई रिश्ते नहीं कोई कुछ नहीं यही माँ ने रोजे मैशर अपने बच्चों का हाथ पकड़ के बख्छवाना है ना तो ये तो पागल है बेवकूफ है जो माँ की कदर नहीं कर मुझे कहा जाता है भाई मैं, मैं गंदे काम करती भी मैं मैंने बुरे काम किए मैंने ये किया मैंने वो किया लेकिन ये नहीं देख रहे आप लोग कि मेरा हाथ तो मेरी माँ ने पकड़ लिया हुआ है मेरी माँ तो मुझे बख्शवा देगी मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे घर नहीं चाहिए मुझे हस्बैंड वाइफ औलाद ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरी अम्मी चाहिए बस जिसने मुझे रोजे रोजे मैशर हाथ पकड़ के बख्शवाना बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो नाजरीन आज हम मिले एक ऐसी शी मिल से तुलसी बढ़ से जो जिसने अपनी पूरी हालात पूरी अपनी स्टोरी बताई लाइफ स्टोरी की किस तरह इसकी इस लाइफ में हैप्पीनेस आई है, किस तरह ट्रेजडी आई किस तरह क्लाइमेक्स आया क्या क्या कैसे चला इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने मेज़बान नमाज शेख को असलम